नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं शिवांगी। आप सभी दर्शकों को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पेश है पीस न्यूज की खबरें सुपर फास्ट। छत्तीसगढ़ में कोरबा के बालको नगर में शिव अवतरण महोत्सव आध्यात्मिक मेले का छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने किया शुभारम्भ। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि ऐसे पवित्र प्रांगण में आत्मिक शांति का अनुभव होता है। मेले में द्वादश ज्योतिर्लिंगम के साथ 40 फुट ऊंचा शिवलिंग बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। बीके रुक्मणी और बीके विद्या ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। मुंबई के मलाड सेवा केंद्र के भद्रम नगर उप सेवा केंद्र द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोगों ने लिया उमंग उत्साह के साथ हिस्सा। बैंड बाजा शिवलिंग की झांकी और स्लोगन के जरिए दिया ईश्वरीय संदेश। वहीं मलाड के ज्ञानधारा सेवा केंद्र द्वारा टॉक शो का आयोजन। मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने महाशिवरात्रि का अर्थ बताते हुए नकारात्मक बातों से दूर रहने के बताए मंत्र। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा भी रही मौजूद। वहीं लिबर्टी गार्डन सेवा केंद्र पर बीके कुंती ने केक काटकर 84वीं शिव जयंती की बधाई देते हुए झंडारोहण के बाद स्व परिवर्तन का सभी को कराया संकल्प। कर्मों की गुह्य गति और राजयोग मेडिटेशन के महत्व विषय पर दिल्ली में मुनिरका सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने डाला प्रकाश। विधायक प्रमिला टोकस समेत कई विशिष्ट लोगों ने शिव ध्वजारोहण और संगठित योग के साथ पर्व को बनाया सार्थक। छत्तीसगढ़ में राजिम के नवापारा में चल रहे राजिम मांगी पुन्नी मेले में ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, द्वादश ज्योतिर्लिंग, चैतन्य देवों की झांकी रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। शिव दर्शन आध्यात्मिक लाइट साउंड मेले का महामंडलेश्वर योगीराज, नवगिरी महाराज, महामंडलेश्वर अक्रिय महाराज इंदौर सह धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण बीके पुष्पा ने किया उद्घाटन। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में देहरादून में भी आयोजन। आचार्य डॉक्टर धनंजय, बीके विमला, बीके मंजू समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने शिव ध्वजारोहण पर पर्व की दी बधाई। चेन्नई में अम्बत्तूर सेवा केंद्र द्वारा 6 दिवसीय सोमनाथ, विश्वनाथ और रामेश्वर शिवलिंग दर्शन का आयोजन। एसीपी कानन, केआरआर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रामासामी, बीके देवी व अन्य वरिष्ठ बहनों ने किया उद्घाटन। आगरा के आर्ट गैलरी म्यूजियम सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली। विदेशी सैलानियों ने भी लिया हिस्सा। राजयोग मेडिटेशन सीखने की जताई इच्छा। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर कानपुर के बर्राटू में विधायक सुरेंद्र मैथानी ने रखे अपने विचार। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने परमात्मा का दिया परिचय। जोनल इंचार्ज बीके दुलारी भी रहे उपस्थित। ओडिशा में भद्रक के चरम्पा सेवा केंद्र पर ICAR कंप्यूटर एकेडमी के डायरेक्टर प्रदीप बेहरा, बीके मंजू और बीके नंदिनी ने ध्वज फहराकर दी बधाई। भुवनेश्वर के लालपुर सेवा केंद्र पर भी दिखा पर्व का उत्साह। भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने परमात्मा अवतरण की दी बधाई। पांचों विकारों से स्वयं को मुक्त करने का किया आवाहन। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सेवा केंद्र पर भी मनाई गई शिव जयंती। नगर अध्यक्ष सुभाष, चित्तौड़गढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिवाली ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर डाला प्रकाश। बिहार में बोध गया के टीका बेघा सेवा केंद्र द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। लक्ष्मी नारायण एवं शंकर की चैतन्य झांकी के जरिए लोगों को मिला ईश्वरी संदेश। एपी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, बोध गया सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिभा व डाकघर के अधिकारी समेत कई लोगों ने लिया हिस्सा। पंजाब के गुराया सेवा केंद्र पर फिलौर के विधायक बलदेव सिंह खेड़ा और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने फहराया शिव ध्वज। अन्य लोग मौजूद। जीवन मुक्ति दाता परमात्मा शिव, सबका सदगति दाता एक समेत अनेक नारों के बीच महाशिवरात्रि पर्व का आगाज। यूपी में हाथरस सेवा केंद्र द्वारा गढ़ी कंदारी में आयोजन। हाथरस कोतवाल मनोज शर्मा ने दी शुभकामनाएं। बीके शांता ने शिव संदेश यात्रा की दी बधाई। नागपुर के कामठी सेवा केंद्र पर शिवरात्रि के पावन पर्व पर बीके प्रेमलता ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति से समाज को नई ऊर्जा प्रदान करें। आज समाज के हर वर्ग के लोगों को राजयोग करने की जरूरत है। जिला परिषद सदस्य अवंतिका समेत अनेक अतिथि मौजूद। बिहार में मधेपुरा के आलमनगर सेवा केंद्र के द्वारा चैतन्य झांकी के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन।
नेपाल के राजविराज से बीके भगवती बीके रंजू स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने अतिथियों को दी ईश्वरी सौगात, उपस्थित लोगों से कर्मों में सुधार लाने का आह्वान। वहीं उदयपुर के मोती मगरी संस्थान द्वारा पर्व के उपलक्ष्य में नशा मुक्ति का विशेष कार्यक्रम, प्रतापगढ़ पुलिस के अतिरिक्त अधीक्षक व उपस्थित लोगों ने स्वयं को व परिवार तथा समाज को नशा मुक्त बनाने का लिया संकल्प। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र के द्वारा टैगोर गार्डन में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई त्रिमूर्ति शिव जयंती, बीके शक्ति बीके स्नेह समेत अनेक वरिष्ठ सदस्य उपस्थित, कार्यक्रम के साथ रैली का भी आयोजन। झारखंड में हुसैनाबाद के जपला सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन, बेगूसराय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन, प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार सिंह, पूर्व कर्नल संजय कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता ने रखे अपने विचार। उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर SDM प्रेमलाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने दीप प्रज्वलन और शिव ध्वजारोहण के साथ किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सिंधी महिला संगठन ने बीके आशा को किया सम्मानित। हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा 84वीं शिव जयंती पर रैली का आयोजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा व स्कूली बच्चों समेत संस्था से जुड़े लोगों ने लिया हिस्सा। बिहार में गया के एपी कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा निकाली गई भव्य रैली, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने महाशिवरात्रि पर्व से जुड़े आध्यात्मिक महत्व को लोगों तक पहुंचाने का किया प्रयास। इसी तरह राजस्थान के भीमाल सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने शुभ कार्य करने की प्रेरणा देते हुए जागरण का बताया आध्यात्मिक महत्व। तहसीलदार कालूराम कुम्हार, खांडा देवल के स्वामी तीर्थानंद ब्रह्मचारी मुख्य रूप से रहे उपस्थित। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर सेवा केंद्र के द्वारा 10 दिवसीय विश्व मंगल आध्यात्मिक मेले का आयोजन, ब्रह्मांड अनुभूति दर्शन, शाश्वत योगी खेती, संपूर्ण स्वास्थ्य समेत अन्य कई प्रदर्शनियां शामिल। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मेले का किया अवलोकन, कार्यक्रम को किया संबोधित। कानपुर के लखना में भी शिव भोलेनाथ की निकाली गई शोभा यात्रा, कालका मोहाल से थाना प्रभारी बकेवर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना, रूरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति ने अतिथियों को भेंट की ईश्वरी सौगात। शिव संदेश रैली का दिल्ली के मालवीय नगर सेवा केंद्र के द्वारा भी आयोजन, बीके अमिता और बीके सीता के सानिध्य में हुआ संपन्न। राज्यों के माध्यम से अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान, पार्षद शामली चावला समेत अन्य अतिथियों ने लिया लाभ। ऐसे ही दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा मनाई गई त्रिमूर्ति शिव जयंती, इस अवसर पर बीके शक्ति बीके स्नेह समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने किया शिव ध्वजारोहण। आगरा विकास परिषद संपर्क शाखा द्वारा नारी को सलाम नारी का सम्मान विषय पर कार्यक्रम, पीपल मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता समेत 15 महिलाओं को किया गया सम्मानित। सांसद की धर्मपत्नी मधु बघेल और विधायक की धर्मपत्नी प्रीति उपाध्याय समेत अनेक अतिथियों व भारत विकास परिषद द्वारा भेंट किया गया मोमेंटो, समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया प्रदान। अभनपुर में टीला के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंदौर शहर बीके नारायण ने किया संबोधित, कहा परीक्षा में सफलता का आधार आत्मविश्वास और निर्भयता है। स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक प्रवीण चंद्र साहू ने आध्यात्मिक गुणों एवं मूल्यों का होना बताया जरूरी। यूपी में अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में उपभोक्ता जागरूकता सेमिनार, बीके प्रेरणा ने कहा कि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम के संयोजक ताहिर अली ने बीके सदस्यों का माना आभार, बीके प्रीति व बीके प्रेरणा ने ईश्वरी सौगात देते हुए सेवा केंद्र पर आने का दिया निमंत्रण। साहित्यकार सम्मेलन में साहित्यकारों की भी सभी ने की महिमा। ब्रह्म कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अखिल भारतीय बस प्रदर्शनी अभियान पहुंचा मध्य प्रदेश के बालाघाट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने किया भव्य रूप से स्वागत। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने अभियान को जमकर सराहा। कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर युवाओं को स्वच्छता, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, सकारात्मकता व मूल्यों को धारण करने के लिए किया गया प्रोत्साहित। यूपी में बिजनौर के कारागार में बीके जमीरा ने जेलर शैलेंद्र प्रताप को ईश्वरी संदेश देते हुए भेंट की ईश्वरी सौगात।
मध्य प्रदेश में धार सेवा केंद्र पर त्रिदिवसीय राजयोग द्वारा बाय बाय टेंशन विषय पर माउंट आबू साहेब बीके राजू ने डाला प्रकाश। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या, सीएमओ विजय शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उमा अग्रवाल ने भी सकारात्मक विचारों पर दिया जोर। असम में डिब्रूगढ़ के शिक्षा वैली स्कूल में दिल्ली से आए ओम शांति मीडिया के उप संपादक बीके अनुज ने माइंड मैनेजमेंट और राजयोग मेडिटेशन विषय पर डाला प्रकाश। वहीं बीसीपीएल में जीवन प्रबंधन के सिखाए गुर। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता के निर्देशन में संपन्न। आगे डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र पर बीके अनुज ने पीपीटी के माध्यम से तनाव के विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा, साथ ही स्व उन्नति के लिए आयोजित कार्यक्रम में योग के अभ्यास को निरंतर बढ़ाने की दी सलाह। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अखिल भारतीय मेरा भारत स्वर्णिम भारत बस प्रदर्शनी अभियान के पहुंचने पर धनवंतरी नगर चौक पर किया गया भव्य स्वागत। आईटीआई समेत कई शिक्षण संस्थानों में युवाओं में मूल्यों के प्रति जागृति लाने का प्रयास। रांची सेवा केंद्र पर भी आयोजक रैली द्वारा दिया गया ईश्वरी संदेश। ब्रह्म कुमारी के सोशल विंग द्वारा गुजरात के कलोल में समाज सेवियों के लिए कार्यक्रम, स्वस्थ मन खुशनुमा जीवन स्वच्छ समाज स्वस्थ समाज विषय पर डॉक्टर दिलीप ने की चर्चा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने रोटरी और लॉयंस क्लब समेत कई समाज सेवियों को दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बाद नरसिंहपुर में पहुंचा मेरा भारत स्वर्णिम भारत बस प्रदर्शनी अभियान। शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बीके छाया ने आयोजित संगोष्ठी में युवाओं से आध्यात्मिक सशक्तिकरण की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद के किरवाई में संत पवन दीवान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को इंदौर से आए पीके नारायण ने किया संबोधित। याददाश्त की शक्ति को बढ़ाने के लिए नियमित राज्यों के अभ्यास पर दिया जोर। हरियाणा में सिरसा के कालावाली में बीके भगवान ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए हमें अपने व्यवहार को सुंदर बनाना चाहिए। द मिलेनियम स्कूल और सीएमके गर्ल्स कॉलेज में आध्यात्मिकता और नैतिक शिक्षा से सशक्तिकरण विषय पर कर रहे थे संबोधित। डीजे पब्लिक स्कूल में बीके सदस्यों ने श्रेष्ठ कर्म करने और श्रेष्ठ चरित्र बनाने का किया आह्वान। आगे सिरसा के सद्भावना भवन सेवा केंद्र पर मोटिवेशन शिक्षक विषय पर प्रकाश डालते हुए बीके भगवान ने कहा कि शिक्षक वही है जो अपने जीवन की धारणाओं से दूसरों को शिक्षा दे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति के निर्देशन में हुआ संपन्न। चेन्नई के अम्बतूर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैप्पी एजिंग विषय पर MBBS डॉक्टर प्रभाकर ने रखे अपने विचार, दीप ध्यानम इवेंट का भी आयोजन। बीके पौंडी देवी ने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया। वहीं अम्बतूर में युवाओं के लिए द आर्ट ऑफ सेल्फ एप्रिसिएशन फॉर यंग माइंड्स विषय पर तमिलनाडु में युवा प्रभाग के संयोजक बीके शिव रामकृष्णन ने रखे अपने विचार। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा ने दी ईश्वरी सौगात, विश्व शांति के लिए सभी ने किया सामूहिक योगाभ्यास। राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र पर 114वां नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन, ग्लोबल आई इंस्टीट्यूट का संयुक्त प्रयास। आबू रोड से आए बीके मांगीलाल ने आंखों के रखरखाव संबंधित दी जानकारी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने कॉरपोरेट क्लब सदस्य छेगाराम दिवासी की प्रशंसा। हिमाचल प्रदेश के संतोषगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम, नेहरू युवा केंद्र ऊना व श्री विष्णु स्नातक धर्म स्नातकोत्तर कॉलेज भटोली का संयुक्त आयोजन। ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी डॉक्टर किरण ने कोरोना वायरस पर दी जानकारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाट्य सभागार में द लाइट नामक संगीत संध्या का महाराष्ट्र के उमरेड सेवा केंद्र द्वारा आयोजन। विधायक राजू पारवे ने कार्यक्रम को सराहा। दिल्ली से आए बीके अनुज ने गीतों से सभी को परमात्मा शिव की दिलाई याद। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत अनेक सदस्यों ने रखे अपने विचार। अनलिमिटेड हैप्पीनेस विषय पर कर्नाटक के बीदर में 5 दिवसीय सेमिनार, बीके मंजुनाथ ने खुशनुमा जीवन बनाने के दिए टिप्स। जिला पंचायत के अध्यक्ष गीता पंडित ने कहा कि मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर भगवान को पाना है तो एक बार माउंट आबू अवश्य जाइए। बीके सरस्वती ने किया मंच का संचालन। उदयपुर के मोती मगरी सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्ति का विशेष कार्यक्रम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सभी मेडिकल ऑफिसर ने लिया लाभ। उदयपुर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके रीता, बीके कल्पना समेत कई लोग रहे उपस्थित। सकारात्मक परिवर्तन से खुशनुमा जीवन विषय पर संबोधित करने के लिए रांची के जिला स्कूल में माउंट आबू से बीके हेमंत ने की शिरकत।
प्राचार्य आशुतोष सिंह ने माना आभार। रामगढ़ सेवा केंद्र पर सिविल सर्जन डॉक्टर नीलिमा चौधरी ने जाहिर की खुशी। रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला और बीके हेमंत ने अपने जीवन के अनुभव से किया लाभान्वित। दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र के द्वारा सेंट्रल पार्क में मनाई गई शिवरात्रि। पार्षद इंदिरा झा, स्वर्ण चंदेला, सेवा केंद्र प्रभारी बिकेंद्रा समेत कई बहनों ने पर्व पर स्वपरिवर्तन का कराया दृढ़ संकल्प। अतिथियों को सौगात भेंट कर दी शुभकामनाएं। सुंदर नगरी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीके नीता ने बताया पर्व का रहस्य। समाज सेवी नासिर अंसारी ने संस्थान के कार्यों को सराहा। इंदौर के शिव शक्ति सरोवर में लगे 11 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले का स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी समेत हजारों की संख्या में लोगों ने किया अवलोकन। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा व अन्य अतिथियों ने कहा कि समाज के जीवन को प्रदूषण से मुक्त करने का कार्य ब्रह्म कुमारी संस्थान कर रहा है। क्षेत्रीय मुख्य संचालिका बीके आरती ने रखे विचार। जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र पर पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, बीसी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज्वाइंट कमिश्नर अश्विनी गुप्ता, बीके रविंद्र समेत उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने फहराया शिव ध्वज। लोगों से ईश्वरी संदेश जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। बेंगलुरु में जयनगर के सद्भावना भवन सेवा केंद्र पर पब्लिक इवेंट। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राघवेंद्र मोक्षा गुंडम गुरु ने की शिरकत। शिवलिंग की झांकी, चार योगों की झांकी रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। सभी हुए लाभान्वित। राज्य में लगे 15 दिवसीय मेले में ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाई गई चैतन्य देवियों की झांकी। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञान स्वरूप आनंद इंदौर साहेब बीके नारायण ने किया शुभारंभ। विराट संत समागम में भी बीके सदस्यों ने दिया परमात्मा अवतरण का संदेश। 84वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली के समयपुर सेवा केंद्र के द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन। बीके सदस्यों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। कार्यक्रम में पार्षद निशा यादव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने हर प्रकार की बुरी आदतों को छोड़ने की कराई प्रतिज्ञा। तेलंगाना के संगारेड्डी सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित अनलिमिटेड हैप्पीनेस कार्यक्रम में बेंगलुरु से बीके मंजुनाथ रहे मुख्य वक्ता। आईआईटी हैदराबाद के निदेशक श्रीनिवास मूर्ति समेत अनेक विशिष्ट लोग उपस्थित। सभी ने शिव ध्वज लहराकर पर्व की दी बधाई। सोनीपत में मूर्धा के विश्व कल्याण सरोवर में शिव वरदान अनुभूति विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, विश्व कल्याण सरोवर के निदेशक बीके सतीश समेत अनेक अतिथियों ने रखे अपने विचार। मैं ये जान नहीं पा रहा कि कौन सी ऐसी विधि है कि हम परमात्मा से अपना नाता जोड़ पाए और उससे अपना ये सुख और शांति का वरदान जीवन में अनुभव करें। वहीं चेन्नई के अम्बत्तूर सेवा केंद्र के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए सक्सेस मंत्रास विषय पर आयोजन। सभी बच्चों ने झांकी व प्रदर्शनी देखकर शिव और शंकर के महान अंतर से हुए अवगत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा ने सभी को राजयोग के बताए लाभ। बिहार में गया के एपी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने ज्योतिर्लिंग का बताया रहस्य। समाज सेवी उमा डालमिया और आरती समेत अन्य अतिथियों को दी गई ईश्वरी सौगात। झारखंड में धनबाद के गोमो सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहलता, बोकारो सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम व अन्य सदस्यों ने सच्ची शिवरात्रि मनाने की बताई सही विधि। सृष्टि पर परमात्मा अवतरण की दी जानकारी। हर्षोल्लास के साथ इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर मनाई गई शिवरात्रि। भव्य समारोह में पूर्व राज्य मंत्री पंडित रोगेंद्र महंत, एरोड्रम थाना संयोजक हरीश सोनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। लक्ष्मी नारायण की झांकी देखकर सभी हुए भाव विभोर। श्रीमद् भगवद गीता का सत्यसार विषय पर मध्य प्रदेश में कोटा फोर्ट सेवा केंद्र द्वारा आयोजन। ज्योतिषाचार्य बी डी राठी ने गीता के रहस्य पर डाला प्रकाश। कहा श्रेष्ठ कर्म ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। बीके शुभांगी, बीके अनुसुईया समेत कई सदस्य रहे उपस्थित। राजस्थान में पिलानी के नवलगढ़ में आध्यात्मिक कार्यक्रम। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी, सरपंच प्रमोद सैनी ने कार्यक्रम में आने की जाहिर की खुशी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा और बीके पुष्पा ने परमात्मा शिव की महिमा का किया वर्णन। आपके पक्ष में राह दिखाने वाला वही ईश्वर है।
आइए उस परमात्मा को हम अपने दिल में बिठा लें। आंध्र प्रदेश के पुट्टपार्थी में शिव शक्ति भवन की रखी गई नींव। मुंबई के घाटकों पर सब्जों प्रभारी बिकी नलिनी, सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आरजे रत्नाकर, सेवा केंद्र प्रभारी बिकी लक्ष्मी समेत कई विशिष्ट लोग रहे उपस्थित। भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन। भरतपुर के बयाना सेवा केंद्र में त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन। बीके बबीता बीके संतोष ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को किया रवाना। SHO रामचंद्र मीणा, SHO रुद्रावास रहे उपस्थित। यूपी में मोहम्मदपुर सेवा केंद्र पर धूमधाम के साथ मनाई गई शिवरात्रि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत अनेक सदस्यों ने फहराया शिव ध्वज। आगे कीरतपुर सेवा केंद्र के द्वारा भी अग्रवाल धर्मशाला में कई अतिथि रहे मौजूद। पंजाब में बठिंडा के भूजो मंडी उप सेवा केंद्र पर 84वीं महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन। बठिंडा सब जोन प्रभारी बीके कैलाश बीके विजया ने उपवास का अर्थ परमात्मा के समीप रहना बताया। कार्यक्रम में माउंट आबू सह वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने सभी से बुराइयों से मुक्त बनने का किया आवाहन। वहीं गुनियाना मंडी में पंजाब केसरी के पत्रकार लाजपत सिंगला, बैंक मैनेजर सुखदेव सिंगला और बीके शशि ने कहा कि शिवरात्रि परमात्मा अवतरण की याद दिलाता है। शिवरात्रि आता है परमात्मा का जन्म दिवस बर्थडे। जो परमात्मा का बर्थडे सो हम सभी का बर्थडे। गाजियाबाद में वसुंधरा गीता पाठशाला की मनाई गई 29वीं वर्षगांठ। शिवरात्रि महोत्सव का भी आयोजन कविनगर सेवा केंद्र के डायरेक्टर बीके सतीश, ओम शांति रिट्रीट सेंटर सहित राजयोग शिक्षिका बीकेशु समेत 250 लोग उपस्थित। झारखंड में कोडरमा के झूमे तलैया सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक कलश यात्रा का बीके शीला ने किया उद्घाटन। विधायक अमित यादव ने परमात्मा की स्मृति से स्नेह युक्त बनने की कही बात। रैली भी निकाली। आध्यात्मिक पूजा सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उस परमात्मा से दूर है, इसलिए कहा जाता है चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। नवी मुंबई के वार्षिक सेवा केंद्र के द्वारा रेलवे स्थानक पर व्यसन मुक्ति एवं जन जागरण हेतु कार्यक्रम। अतिथि ने रखे अपने सुंदर विचार। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली में 500 से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा। आज मनुष्यों को जीवन में जब मूल्य आ जाएंगे तो उसको नशा कोई काम नहीं करेगा, लेकिन नशे से भी बढ़कर शुद्ध नशा वो है अच्छे सद्गुणों का नशा। बच्चे लोग ये गलत चीज में फंस रहे हैं और उनका परिवार बहुत डिस्टर्ब है। आप ये बहुत अच्छा समाज के लिए कर रहे हैं और इससे बहुत से लोगों का परिवार जो खराब हो रहा है वो रुक सकता है। कार्यक्रम में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शेखर बागड़े, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत अनेक अतिथि शामिल। व्यसन मुक्ति नाटक द्वारा लोगों को व्यसनों से होने वाले नुकसान से कराया अवगत। जिम्बाब्वे में बुलावायो में शिव जयंती महोत्सव का आयोजन। बीके जासू ने केक काट कर मनाई खुशियां। बीके सुना ने अपने अनुभव सभी के साथ किए साझा। जम्मू कश्मीर के शास्त्री नगर सेवा केंद्र पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, चेयरमैन बलोरिया पार्षद पवन सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने झंडारोहण कर दिया ईश्वरी संदेश। श्रीलंका के मुल्लय तीरू में राष्ट्रीय युवा फसलों के लिए कार्यक्रम। डॉक्टर मणिवर्णन ने संपूर्ण स्वास्थ्य पर की चर्चा। विद्यार्थियों ने भी सकारात्मक चिंतन द्वारा चुनौतियों का सामना करने के सुनाए अपने अनुभव। छत्तीसगढ़ के राज्य में चल रहे 15 दिवसीय मेले में ब्रह्म कुमारी की चैतन्य देवियों की झांकी बनी मुख्य आकर्षण का केंद्र। जोधपुर से महामंडलेश्वर ज्ञान स्वरूपानंद महाराज समेत अनेक संतों ने सराहा। और इस देवियों के बारे में जो भी बालिकाएं साधना करके जो अपने आप को साधा है ये बड़े सराहनीय है। हरियाणा में टोहाना सेवा केंद्र में शिवरात्रि का पर्व जजीपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह चौधरी, जिंद सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय की उपस्थिति में संपन्न। पंजाब में जालंधर सेवा केंद्र के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। भव्य शिवलिंग के द्वारा सभी ने परमात्मा के सत्य स्वरूप का किया दर्शन।
सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा की उपस्थिति में संपन्न। यूपी में अलीगढ़ के दो दिवसीय विराट किसान मेले में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, उप कृषि निदेशक अनिल कुमार तथा बीके प्रेरणा ने कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने पर की चर्चा। दिल्ली में सफदरगंज में टैपिंग इनर पोटेंशियल विषय पर विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम, प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टर्स, उद्योगपतियों समेत अन्य लोगों ने लिया भाग। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा और बीके पीयूष ने दी सुंदर प्रेरणा। और बच्चों के अंदर एक बात आपने देखी, कुछ हो भी गया, कोई बात हो गई, कुछ फिर वो दो मिनट में भूल जाते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। तो हम भी क्या करेंगे आज से अपनी लाइफ में, भूल जाए, बहुत सारी बातों को भूलते नहीं है। ऐसे भूलने की शक्ति हमारे पास है, जो मैं बात बता रहा हूँ आप एक घंटे के बाद सब भूल जाने वाले। श्रीलंका में कोलंबो सेवा केंद्र के द्वारा गोल्डन लंका नामक चित्र प्रतियोगिता और एग्जीबिशन का आयोजन, दो श्रेणियों में आयोजित की गई प्रतियोगिता, 40 स्कूल के बच्चों ने लिया हिस्सा। इस दौरान मुख्य अतिथि कोलंबो में जोनल एजुकेशन ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर पुपड़ू ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट कर किया सम्मानित। कई स्कूलों के शिक्षाविदों ने कार्यक्रम को सराहा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आध्यात्मिक मेले का आयोजन, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व महापौर अतुल पटेल, माधुरी पटेल, अनिल भोसले, सेवा सदन महाविद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष तारिका ठाकुर, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला, सोशल एक्टिविटी ग्रुप से बीके करण ने रखे अपने विचार। सिर्फ ये आध्यात्मिक ज्ञानी नहीं, जीवन की मानव के मूल्य की जितनी समस्या है उन समस्याओं को सामाजिक संस्था सरकार के बाद कोई आध्यात्मिक माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता है, केंद्र चाहे हमारे जीवन में पर्यावरण की समस्या बोर्ड लगा पर्यावरण सुरक्षा। बिहार गया के सिविल लाइन्स में भी शहर में निकाली गई शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने कहा कि यात्रा के द्वारा श्रेष्ठ आचरण बनाने का ज्ञान मनुष्य को मिलता है, जिससे जीवन यात्रा में दिव्य गुणों की शोभा आ जाती है। इस अवसर पर वैदिक गुरु पंडित रामाचार्य डॉक्टर नवनीत बिहारी शरण, इस्लाम धर्म से प्रोफेसर मशरूर अहमद मुख्य रूप से रहे शामिल। दिल्ली में मुनिरका के कम्युनिटी हॉल में सीक्रेट ऑफ थर्ड आई विषय पर आयोजन, श्री फोर्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके शोभा और बीके लीना समेत सभी ने रखे अपने विचार। शिव ध्वज फहराकर पावन बनने का लिया संकल्प। भगवान कहता बच्चे मैं भी बिन भोला नाथ हूँ, चाहे मुझे आप कुछ भी दो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, बस मेरे को बच्चे बनके तुम मुझे याद करो। खबरें सुपर फास्ट में बस इतना ही। देश व दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, ओम शांति।